कई बहुत हंसी की बात करते हैं। बाबा कहता है ना मैं बैठा हूँ, कहा तुम तो बैठे ही रहते हो, करते तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ करा देगी, लेकिन वो कभी कभी करता क्यों नहीं। आपके बच्चे का गला खराब हो गया, बुखार हो रहा है, आइसक्रीम बहुत प्यार से खाता है, आप भी खिलाते हैं। आज बाजार में उसको लेकर जा रहे हैं, आइसक्रीम बिक रही है और वो रो रहा है, परेशान कर रहा है आपको, आइसक्रीम खिलाओ, आपकी जेब में पैसे बहुत हैं, आप क्यों नहीं खिलाते। वो भी तो परेशान हो सकता है ना, खिला नहीं रहे हैं मुझे। बस यही बात बाबा की है, वो देखता है ऊपर से छोटी सी चीज मांग रहे हैं, मुझे बड़ी देनी है, इसको पूरा हो जाने दो फिर देता हूं। लेकिन हम अगर वहीं उलझ जाएंगे तो न छोटी मिलेगी न बड़ी। इसलिए बाबा को पहचान लें और ये जान लें कि इस समय वो हमें हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। मदद लेनी आनी चाहिए। चिंतन करें सभी, भगवान मदद दे रहा है, हम क्या है अपनों की तरफ देखते हैं, जो असली असलियत में अपना है उसकी तरफ लास्ट में देखते हैं। द्रौपदी का उदाहरण है ना, मैं बहुत बार दिया क्लास में, चीरहरण होने लगा, पहले भीष्म पितामह के पास गई, हाथ जोड़े, सिर नीचा कर लिया उसने, फिर द्रोणाचार्य के पास गई, उसने भी सिर नीचा कर लिया, फिर राजा के धृतराष्ट्र के पास उसने भी, पांडवों ने भी, आखिर में याद आया उसको श्री कृष्ण तुम्हारा ही तो भाई है। तब तक वो याद नहीं था, याद करते ही सामने दिखने लगा, मदद हो गई ना, अगर पहले ही याद कर लेते। यही गलती हम सब भी करते हैं, तो लास्ट तक हमारी पावर कमजोर पड़ जाती है। शुरू में ही उसके पास पहुंच जाना और लास्ट में पहुंच जाना, दोनों में बहुत अंतर है। तो हम सभी इस बड़ी ऑफर का, इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। भगवान साथ दे रहा है, वो मदद करने को तैयार है, हम उसकी लेते नहीं। एक उदाहरण दो, जिनके घर में ये समस्या हो, बच्चा बुरे संग में चला गया है, बिगड़ गया है, रात को भी नहीं पहुंचता, शराब पीता है, पढ़ता भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, जरा अपने मन का बोझ बाबा को अर्पित करके देखो, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। पहले यदि कमजोर संकल्प आ गया निगेटिव, बाबा इसमें क्या करेगा, वो तो ज्ञान में भी नहीं है बच्चा, तो बाबा कुछ नहीं करेगा। हमने कह दिया ना बाबा क्या करेगा, फाइनल कर दिया पहले ही, तो नहीं करेगा। समर्पित करो उसे अपनी ये समस्या। ऐसी कोई भी समस्या आपके पास है, उसे बाबा को अर्पित करके दिव्य अनुभव प्राप्त करो कि वो क्या करता है, वो कुछ करता भी है या नहीं, और आपके अनुभव फिर आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति बन जाएंगे, खजाना बन जाएगा। पसंद है ये बात। वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind, जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।